सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के बारे में नॉमिनी से जुड़े मामले पर हमारे पास कुल तीन सवाल आए। पहला सवाल ये कि सर डेथ हो चुकी है, बतौर नॉमिनी अप्लाई करना चाहता हूं, कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर दीजिए, शपथ पत्र बना दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिए और शपथ पत्र में हवाला दे दीजिए कि खाताधारक से मेरा रिश्ता यह था, इनकी मृत्यु इस तारीख को हो चुकी है, मैं इनका विधिक वारिसान हूं और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है और विधिक वारिसान के रूप में मैं अप्लाई कर रहा हूं। दूसरा सवाल यह है कि सर नॉमिनी दो है तो दोनों में से कौन अप्लाई करे, ये आप तय कीजिए। और दूसरे जो नॉमिनी है उनका शपथ पत्र ले लीजिए कि मैं मेरे भाई के पक्ष में या जो दूसरा नॉमिनी है उसके पक्ष में यह शपथ पत्र निष्पादित करता हूं कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के अंतर्गत यह आवेदन कर सकते हैं और हमारे पिता जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनमें हम दोनों नॉमिनी थे, हम विधिक उत्तराधिकारी है और विधिक उत्तराधिकारी में आवेदन करने के लिए मैं मेरे दूसरे जो नॉमिनी अपॉइंट किए गए हैं जो रिश्ते मेरे ये लगते हैं मैं इनको अपॉइंट कर रहा हूं और वह दूसरा व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब तीसरा सवाल थोड़ा अलग है, वो यूं है कि सर जीवित व्यक्ति है उस पर नॉमिनी क्लेम कैसे करें? जवाब आपको मिल गया होगा, नॉमिनी तब यूज में आता है जब मेन व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, मेन खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है उसी दशा में नॉमिनी क्लेम कर सकता है। यदि मुख्य खाताधारक जीवित है तो ऐसी अवस्था में कोई भी नॉमिनी अप्लाई नहीं कर सकता है विदाउट डेथ सर्टिफिकेट, विदाउट एफिडेविट। ऐसी अवस्था में केवल और केवल उस जीवित व्यक्ति के नाम पे ही अप्लाई करना होता है। अगर वो बिस्तर में है, उठने की कंडीशन में नहीं है, तो भी आप उनके मोबाइल पे जो ओटीपी वगैरह आता है उसके आधार पर उनसे आवेदन करा सकते हैं, उनके सिग्नेचर उनके थंब लगाकर आप उसको अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। तो जीवित व्यक्ति के मामले में नॉमिनी अप्लाई नहीं कर सकता है। हमारे बेस्ट नॉलेज और जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम हमारी जानकारियां आप तक साझा करते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं, तो यदि आपको उचित लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें जनहित में, ताकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे जो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।